दुनिया में कई नायाब और दिलचस्प क्रिएचर्स है। आज हम ऐसे कुछ क्रिएचर्स देखेंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी ना हो। तो तैयार हो, चलो शुरू करें। द ब्लैक थ्रोटेड बुशटिट। ये बर्ड सिर्फ 4 इंच के होते हैं। इनके कलरफुल फर में एक ब्लैक फेस मास्क और एक चेस्ट बैंड है, जिसकी वजह से इन्हें ये नाम पड़ा है। हॉन्डुरन व्हाइट बैट। ये क्यूट से दिखने वाले कैरेबियन व्हाइट बैट्स है। इन्हें टेंट मेकिंग बैट्स भी कहा जाता है। इनकी हाइट सिर्फ 2 इंच होती है। इनका फर व्हाइट होता है और ये पत्तों के टेंट्स बनाकर उनके नीचे आराम करते हैं। आपने मेडागास्कर मूवी देखी होगी तो इस स्पीसीज को आप जानते होंगे। इनकी बड़ी डरावनी आंखें और लंबी उंगलियां होती है और इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और ये सिर्फ रात में अपने बिल से बाहर निकलते हैं। लाइगर एंड टाइगर। ये एक हाइब्रिड जानवर है जो दो अलग स्पीसीज के मेटिंग से पैदा हुआ है। लायन एंड टाइग्रेस के बच्चों को लाइगर और टाइगर एंड लायनेस के बच्चों को टाइगन कहते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं लेकिन कभी खुद शिकार नहीं कर पाते। सन बियर। इस बियर को बियर डॉग भी कहा जाता है क्योंकि इनका साइज एक डॉग जितना होता है। ये दुनिया का सबसे छोटा बियर स्पीसीज है। इनकी छाती पर एक फर है जो एक सनराइज या सनसेट की तरह दिखता है। सन बियर की लंबी जीभ और मजबूत जॉज के साथ ये बहुत एग्रेसिव दिखते हैं। स्फिंक्स कैट। ये अजीब से दिखने वाली बिल्ली म्यूटेशन की वजह से ऐसी दिखती है। इनकी चमड़ी पर बाल न होने की वजह से इनको धूप से बहुत तकलीफ होती है। मैक्सिकन ऑक्सलॉटल। ये एक मेंढक के बच्चे जैसे दिखने वाला गिरगिट है। इनको मेक्सिको में वॉकिंग फिश भी कहा जाता है, हालांकि ये फिश नहीं है। इनकी हाइट सिर्फ 23 सेंटीमीटर जितनी होती है और इन्हें पेट्स की तरह भी संभाला जाता है। इनकी खासियत यह है कि इनमें रीजनरेशन की भी एबिलिटी है, जिससे ये अपने बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर सकते हैं। कमांडर। कमांडर एक हंगरी में पाया जाने वाला कुत्ता है जो कि एक भेड़ की तरह दिखता है, इसलिए इसे हंगरियन शेपर्ड डॉग भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे मॉप डॉग भी कहते हैं क्योंकि इसके बाल एक मॉप की तरह होते हैं। भारी वजन होने पर भी ये तेज भाग सकता है। साइगा अंटलॉप। ये अपने अनोखे लंबे फ्लेक्सिबल नाक के लिए जाने जाते हैं, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। इनकी नाक की स्पेशल क्वालिटी ये है कि इसकी मदद से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। सैटनिक लीफ टेल्ड गेको। ये एक अजीब तरह की छिपकली है जिसका शरीर एक सूखे पत्ते की तरह है और इसकी खासियत यह है कि एक गिरगिट की तरह रंग बदल सकती है। स्टार नोज मोल। ये एक अलग दिखने वाला चुचुंदर है जिसकी वजह उसकी एक नाक है जो एक फूल की तरह दिखती है और इसकी नाक पर 25,000 छोटे से टच सेंसिटिव रिसेप्टर्स है जिन्हें एमर्स ऑर्गन्स कहते हैं। ये इन रिसेप्टर्स से अर्थक्वेक के सिस्मिक वेव्स तक को फील कर सकते हैं। वेनेजुएलन पुडल मोत। ये एक सिर्फ छोटा सा कीड़ा है जो 2009 में वेनेजुएला शहर में पाया गया है। इसके बाल पुडल कुत्तों की प्रजाति जैसे है, इसलिए इसे पुडल मोत नाम दिया गया है। पीकॉक स्पाइडर। ये एक छोटी सी मकड़ी है जिसकी पीठ पर बहुत ही खूबसूरत मोर के पंखों जैसी सजावट है। ये इतनी छोटी है कि इनको ज्यादा देखा भी नहीं गया है। कैंटर जायंट सॉफ्टशेल टर्टल। ये एक अलग तरह का कछुआ है जिसे पहली बार देखने पर आपको ये कछुआ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा टाइम खुद को जमीन के अंदर गाड़ कर रखते हैं और सिर्फ दिन में 2 बार ही सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। इंडियन पर्पल फ्रॉग। इस मेंढक को पिग्नोस फ्रॉग भी कहा जाता है। इंडिया में होके भी इसे बहुत कम लोगों ने देखा है क्योंकि इनकी प्रजाति अब खत्म होने पर आ चुकी है। अब सिर्फ 135 मेंढक जिंदा बचे हुए हैं और इनमें से सिर्फ 3 फीमेल मेंढक है। ग्लास फ्रॉग्स। ये सिर्फ 1 इंच के छोटे से मेंढक है जिनका पेट नीचे से ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से इनके सारे इनर ऑर्गन्स भी दिखाई देते हैं। प्रेइंग मैंटिस श्रिम्प। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत पानी में रहने वाले जानवरों में से एक है। ये जानवर बहुत ताकतवर है और साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ये मुक्का मार सकता है। जहां इंसानों की आंखों में 3 कलर के रॉड्स है, वहीं इनकी आंखों में 16 कलर के रॉड्स है, इसलिए इन्हें ऐसे कलर्स दिखते हैं जो हम नहीं देख सकते। नारवल। नारवल को नारवेल भी कहा जाता है क्योंकि ये वेल के फैमिली से नाता रखते हैं। ये एक मीडियम साइज के वेल है। इनकी सूंड भी होती है। ये सूंड असल में उनके 2 दांतों में से एक दांत है। घरियाल। ये एक इंडियन मगरमच्छ है। इनकी लंबाई 3 से 6 मीटर तक होती है और सारी मगरमच्छ की जातियों में सबसे ज्यादा ये जीते हैं। इनके लंबे और पतले जबड़ों की वजह से ये बड़े जानवर को नहीं मार सकते, लेकिन अब ये घरियाल सारी दुनिया में सिर्फ 235 से भी कम रह गए हैं। हेलीट्रिफस जेली। ये जेलीफिश की एक प्रजाति है। इन्हें हेलीट्रिफस मासी भी कहा जाता है। ये 4,000 से 5,000 फीट की पानी के गहराई में पाए जाते हैं। लीफी सी ड्रैगन। ये एक अलग तरह का सी हॉर्स है जिसकी बॉडी पत्तों जैसी शेप की है और ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाए जाते हैं। डम्बो ऑक्टोपस। ये एक अम्ब्रेला ऑक्टोपस है। इनके कान बाहर की तरफ होते हैं जिनको फड़फड़ाकर ये पानी में तैर सकते हैं।
पैको फिश। ये मछली पिराने के खानदान से है, लेकिन ये पिराना से भी बड़ी और वेजिटेरियन है। इनकी खासियत ये है कि इनके दांत इंसानों जैसे है। मैरी रिवर टर्टल। ऑस्ट्रेलिया के मैरी रिवर में मिलने वाले ये दुनिया के सबसे स्ट्रेंज टर्टल है। इनके ग्रीन रॉकस्टार जैसे स्पाइकी बाल है और ये 3 दिन तक पानी में रहकर भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि ये नट्स प्लांट्स जैसे मजबूत चीजें खाती है। ब्लॉक फिश। ये एक डीप सी फिश है जो सिर्फ गहरे पानी में पाई जाती है। इनकी बॉडी जिलेटिन की तरह स्लिमी होती है, इसलिए ये पानी में फ्लोट हो पाते हैं, वो भी बिना एनर्जी वेस्ट किए। ये पानी से बाहर निकलने जाने पर बहुत ही अजीब दिखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने की वजह से इनका फ्लैश ड्रूपी हो जाता है। 2013 में इन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट एनिमल वोट किया गया है। रेड लिप्ड फिश। गैलापागोस आइलैंड में पाए जाने वाली एक अजीब सी बैट फिश है। ये अपने लाल लिप्स से फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। हैरानियत की बात तो ये है कि ये मछली पानी में होकर भी तैरना नहीं जानती। जापानी स्पाइडर क्रैब। राक्षस जितने बड़े ये खेकड़े जापान में पाए जाते हैं और इनके पैर 18 फीट लंबे हैं। ये सिर्फ दिखते राक्षस है, लेकिन असलियत में बहुत शांत है। गॉबलिन शार्क। ये डीप सी शार्क्स में से एक अनोखी जाति है। इस शार्क को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायनासोर से भी पहले 125 मिलियन ईयर्स से आज तक जिंदा है और इनकी शक्ल भी बहुत डरावनी होती है। ड्यूगोंग। ये जानवर मरीन मैमल्स में से एक है। साइज में ये 2 से 3 मीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन 300 किलोग्राम तक होता है, लेकिन बदकिस्मती से ड्यूगोंग एंडेंजर स्पेसीज में से एक है। सी लैम्प्रे। ये एक पैरासाइट है। इसके गोल से मुंह में जबड़े नहीं होते और ये दूसरे जानवरों को मारकर उनका खून चूसकर जिंदा रहते हैं। तो ये थे कुछ दुनिया के सबसे दिलचस्प क्रिएचर्स। ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, फिर हम इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे।